तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आप इसे यहाँ से कैसे हटा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको आना है अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में। तो यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में चले जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको चैट्स पे जाना है, और चैट्स पे आ जाने के बाद अब यहाँ पर आपको चैट बैकअप पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर बैकअप पे क्लिक करना है और आपको अपना बैकअप कम्प्लीट करना है। तो हमारा जो चैट बैकअप है ये कम्प्लीट हो चुका है। बैकअप लेने के बाद आपको बाहर आना है। अब यहाँ पर आपको अपना ये वाला व्हाट्सएप को कर देना है अनइंस्टॉल। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अनइंस्टॉल। तो ये मैंने यहाँ से अनइंस्टॉल। तो यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ओल्डर वर्जन, और यहाँ पर नीचे की तरफ आने के बाद हमें जो ये प्रॉब्लम आ रहा है अपडेट वाला, ये नए वाले वर्जन में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पुराना वाला वर्ज़न करना है। तो यहाँ पर जैसे कि सिंपली मैं कर लेता हूँ 8 सितंबर वाला वर्ज़न। तो यहाँ पर मैं 8 सितंबर वाला वर्ज़न डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नीचे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड एनी वे पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो यह हमारा डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ इंस्टॉल होने के बाद अब आपको ओपन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, फिर से एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया, देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, अलाउ पर क्लिक करना है, अलाउ करना है आपको। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, और रिस्टोर पर क्लिक करने के बाद आपका जो बैकअप था सारा वो वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है, और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो ये अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा था, अब वो यहाँ से हट चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।